भानगढ़। नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती है। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई में भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? ऐसे कई से सवाल हमारे दिमाग में जो कई कल्पनाओं को जन्म देते हैं। चाहे आपने आत्माओं की पूरी अवधारणा को बकवास समझकर दिमाग से बाहर फेंक दिया हो, लेकिन भानगढ़ का किला आपके विचार बदल सकता है। यह किला एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के पीछे भी कई किंवदंतियाँ हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर, उद्यान से सज्जित है और यात्रा के लिए सामान्य जनता के लिए भी खुला है। हालांकि कई पर्यटकों ने स्वीकार किया है कि इसके वातावरण में एक कुछ संदिग्ध मौजूद है। कईयों ने तो यहाँ सीधे आत्माओं की रहस्यमय आहट सुनने की भी बात कही है। यह भी माना जाता है कि रात में इस जगह जो कोई गया वह कभी जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। आज भी यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी बोर्ड भी लगा रखा है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में जाना प्रतिबंधित है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में। यहाँ बड़ी तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाज़ें सुनाई देती है और घूरों की गूंज। आखिर क्या वजह रही होगी इस किले को भूतहा करने के पीछे, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। भानगढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। यह किला भूतहा कैसे बना, इस बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती है, लेकिन आज हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अकेले ना देखें। वर्ष 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों तक भी आबाद रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास स्थान बना लिया था। भानगढ़ के इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। उनके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन उनकी इस सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा था। एक दिन जब राजकुमारी रत्नावती किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली, बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघने लगी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंगिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंगिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। राजकुमारी रत्नावती का खूबसूरत और मनमोहक चेहरा देख वह तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा और हर समय राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा। भानगढ़ के किले में जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, तांत्रिक उस दुकान में गया और उस बोतल पर वशीकरण का जादू कर दिया, जिसके बाद राजकुमारी को वो बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने उस इत्र की बोतल पर ऐसा जादू किया था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो मेरे प्यार में मोहित हो जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और काला जादू होने के कारण पत्थर उस तांत्रिक के पीछे लग गया और उसे कुचल डाला। वो तांत्रिक तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। जिसके कुछ वक्त के बाद ही एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए थे। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि भानगढ़ डरावना है या नहीं, क्योंकि मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ, लेकिन उस किले के पास की सड़क से गुजरा जरूर हूँ, वो भी शाम के वक्त। मुझे उस समय उस जगह के आसपास एक अजीब सी सुखबुगाहट थी, या यूँ कहो कि एक अजीब सा डर, जो लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर से आसपास के घर और प्रकृति पर छाया सा लगता है। वहाँ आसपास महसूस होता है एक अजीब सा कालापन। मेरा मानना है कि अगर अच्छाई के रूप में भगवान है तो बुराई के रूप में डर है, और ये हकीकत है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या भूत होते हैं? ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं और न ही किसी के पास इसका उत्तर है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना करार देते हैं। कि वंदितियों पर भरोसा करें तो भानगढ़ का किला श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते वो इसे वहम कहते हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफ़ी सर्च किया जाता रहा है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते भी हैं। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें और अपने इस सिस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।